अलजेब्रा जिसको हम लोग बीज गणित कहते हैं, अलजेब्रा बीज गणित। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सबसे पहली चीज तो इसमें आपको पता होनी चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल की जानकारी होना चाहिए। कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे देखिए यहां पर आपका ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं अचर, अचर। और दूसरा होता है वेरिएबल, वेरिएबल जिसको हम लोग चर कहते हैं, है ना। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो, फिक्स हो या जिसका मान ना बदले, जिसका मान फिक्स हो या फिर जिसका मान ना बदले वो अचर है। नाम ही अचल, मतलब ना चलू, चलेगा नहीं, फिक्स रहेगा आपका वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप कह सकते हैं, जैसे दो क्या है, दो क्या है, एक कांस्टेंट है। दो का मान कभी तीन हो सकता है, दो कभी बदल सकता नहीं, दो दो है आपका, है ना। माइनस का 8, प्लस का 7, ये सब क्या है आपका, कांस्टेंट है ना। अगर हम बात वेरिएबल का करते हैं, अगर हम बात वेरिएबल का करते हैं तो ये इसके बारे में कह सकते हैं, जिसका मान बदल सके या फिक्स ना हो, बदल सके, या फिर हम कह सकते हैं ऑब्लिक दे करके फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एक्स वाई जेड, ये सब क्या है आपका, वेरिएबल है। जैसे इक्वेशन जो आप लिखे अभी क्वाड्रेटिक में, 3x + 4y = 12 है, यहां पर आपने लिखा 3x + 4y = 12 आपने लिखा, तो क्या है यहां पर, ये एक्स वाई क्या है, कौन वेरिएबल है, वेरिएबल है, चर है। अब बाकी ये जो आपको 12 दिख रहा है वो क्या है, कांस्टेंट आपका है, कांस्टेंट आपका है ना। अगर मान लेते हैं कि ऐसे लिखा रहे कि 3x + 4y, अब बराबर में ऐसे दिया हुआ रहेगा, ए दिया हुआ रहेगा, तो यहां पर एक्स और वाई वेरिएबल है और यहां पर ए कांस्टेंट ही कहलाएगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के कांस्टेंट के जगह पर आपका है ना। तो यहां पर इसका मान, ए का मान भी क्या होगा आपका, फिक्स होगा। ए का मान कुछ आएगा 2, 4, 5, 7 जो भी आपका आएगा। तो कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, जो ना बदले, जो फिक्स हो आपका। अब वेरिएबल मतलब होता है चर, मतलब चल, जो चलेगा, और ये ना चल, नहीं चलेगा, फिक्स रहेगा आपका। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखना है, लिख लिए इसको, नोट करते चलिए, सब छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन, वो दोनों में क्या फर्क है। इक्वेशन बोले तो समीकरण, एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक होता है ना। ये सब लिखते चलिए जी, सब अलग से समय नहीं देंगे, सब छोट मोट बात है, सब इसका जरूरत भी नहीं है, ये पहले ही से पता होगा आपको, एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछता है। सुनिएगा यहां पर, इसके बाद यहां पर इक्वेशन की यदि हम बात करें, इक्वेशन इसको समीकरण, जैसे देखिए यहां पर दिया हुआ है ax + by + c = 0, ये सब क्या इक्वेशन है। यहां पर हम कह सकते हैं ax² + bx + c = 0, ये सब क्या इक्वेशन है, जिसमें बराबर का सिंबल लग जाए, बराबर का चिन्ह आ जाए, बराबर आ जाए, और दाहिने साइड कोई कांस्टेंट रहेगा,
तो वो आपका इक्वेशन कहलाता है, और जिसमें बराबर ना रहे, जैसे यहां पर देखिए एक्सप्रेशन, यहां पर व्यंजक, व्यंजक तो ये आपका व्यंजक की अगर बात करें तो यहां पर ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी, बराबर का सिंबल नहीं लगाना है, सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। दूसरा यहां पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, तो ये जो आपका है ना वो कहलाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन आपका कहलाएगा। समझ में आया बात है, बराबर का सिंबल रहे तब इक्वेशन, अब बराबर का सिंबल नहीं रहे तो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन व्यंजक कहलाता है आपका। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दोनों को व्यंजक कहेंगे, अगर कहीं लिखा रहेगा 5x प्लस 3y प्लस 6 तो ये भी क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। अब बराबर में मान लेते हैं कि आपका जीरो दिया रहे तो फिर ये समीकरण कहलाएगा आपका, बराबर का सिंबल आ गया तो समीकरण, अब बराबर का सिंबल नहीं है तो व्यंजक आपका हो गया। तो व्यंजक और समीकरण में यही फर्क है। बड़े आगे आप इसे जो है आप बहुपद भी कह सकते हैं, इसे जो है ऑब्लिक करके हम लिख लेंगे बहुपद, बहुपद पॉलीनोमियल बहुपद, इसको हम लोग बहुपद के अंतर्गत, जैसे बहुपद में एक पदी बहुपद भी होता है, द्विपदी जिसमें दो पद हो, त्रिपदी, ये त्रिपदी बहुपद है, इसमें देखो तीन पद है, एक दो तीन, ये त्रिपद है, ये इसमें तीन गो आपका पद है, टर्म है, एक पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये भी क्या है, त्रिपद है, इसमें भी तीन टर्म है आपका, एक दो तीन आपका है। तो जैसे व्यंजक को आप बहुपद भी कह सकते हैं, बहुपद पॉलीनोमियल है ना, पॉलीनोमियल बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीनोमियल। बड़े आगे उसमें बराबर का सिंबल रहेगा तो इक्वेशन, और बराबर का सिंबल ना रहे तो आपका पॉलीनोमियल या फिर कह सकते हैं एक्सप्रेशन। यहां पर देखिएगा डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पूछेगा आपसे कि बहुपद की घात बताओ कितना है, है ना, डिग्री का मतलब यहां पे घात हो गया, घात हो गया। तो जैसे देखिए डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, एक मिनट, किसी विशेष टर्म में, किसी टर्म का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, क्या कहलाता है आपका, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ज्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। यहां पर हमने एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये हमने ले लिया। कोई कहेगा कि बताइए, आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, है ना, इसमें कितने पद है जी, तीन पद है, पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है, इसमें कुल मिलाकर तीन पद है, तो ये बहुपद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। बहुपद का प्रकार है, अगर एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो द्विपदी बहुपद, तीन है तो त्रिपदी आपका बहुपद, लेकिन ओवरऑल ये बहुपद ही कहलाएगा, पॉलीनोमियल कहलाएगा। अब ये पॉलीनोमियल दे करके पूछ रहा है बताओ इस पॉलीनोमियल का डिग्री कितना है, है ना, डिग्री कितना है,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए कितना होगा जी? दो गलत है। अब दो चार को बोलिए तो सही हो ही जाएगा, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू यहां पर चार हो जाएगा आपका। देखिए किसी टर्म, जैसे टर्म का मतलब हो गया पद, तो इसमें कुल मिला के कितने पद हैं? तीन है, एक दो तीन पद हैं, या फिर यू कहें तो तीन टर्म इसमें है। और किसी टर्म का वेरिएबल, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर आपका, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो इस टर्म में वेरिएबल क्या है? सिर्फ x है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? दो है। इस टर्म में वेरिएबल y है तो पावर कितना है? दो है। और इस टर्म में वेरिएबल क्या है? x भी है y भी है, तो इसका पावर कुल मिला के कितना होगा? जोड़ देंगे तो यहां पर दो और दो चार, यानी कह सकते हैं किसी विशेष पद में वेरिएबल की जो मैक्सिमम संख्या होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे यहां पर इसमें वेरिएबल क्या हुआ? दो गो एक्स स्क्वायर इन दो एक्स गुना एक्स, इसमें वाई दो गो, और इसमें एक्स वाई, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, तो कुल मिला के कितने हो गए? दो दो चार आपका हो जाएगा। देखिए यहां पर कुछ लोग ये नहीं सोचे कि सर आप, हमने तो पढ़ाया कि एक्स के पावर दो और गुना एक्स के पावर दो, बेस बराबर बीच में साइन गुना तभी पावर जोड़ता है, तो वो तो आपका जो है सॉल्यूशन है, चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कै डिग्री का बहुपद है, तो डिग्री का मतलब होता है किसी टर्म के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल एक्स भी है वेरिएबल वाई भी है, तो कुल मिला के इस टर्म में का पावर कितना हुआ? तो दो और दो चार हुआ, जोड़ के लिख देंगे, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहां पर और हम एग्जाम्पल ले लिए, ले लिए टेन एक्स के पावर आपका फोर ले लिए, अब प्लस में आपका ले लिए यहां पर 24 एक्स क्यूब वाई पावर फोर, ठीक है, और फिर यहां पे हमने ले लिया प्लस में आपका 7 एक्स क्यूब वाई पावर वन जेड पावर थ्री, और प्लस में आपका 7 जेड स्क्वायर प्लस में 9, ऐसे मैंने कुछ ले लिया। देखिए इसमें कितने पद है? एक दो तीन चार पांच पद आपका है ना, तो ये एक तरह से बहुपद एक प्रकार का। अब सवाल कहता है कि बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपसे पूछ रहा है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है क्या? किसी विशेष टर्म के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। तो आप देख लो यहां पर, यहां पर इसका पावर कितना है जी इस पद में? चार है, और यहां पर कितना है? सात है, यहां पे सात है, और यहां देख लो यहां पर तीन तीन छह और एक सात है, यहां भी कितना है? सात है, और यहां कितना है? दो है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? सात हो जाएगा। अब कहिएगा सात तो सर दो जगह है, तो मैक्सिमम कितना है? सात ही ना है, सात यहां भी है सात यहां भी है दो यहां है चार यहां है, तो मैक्सिमम क्या हुआ इसमें? सेवन ही हुआ, एट थोड़ी ना हो गया आपका, तो साथ ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पकड़ना बहुत आसान है, किसी विशेष टर्म के वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा आपका? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहां पर देखिए, या हिंदी में कहेंगे बहुपदों का घात, पूछेगा कितने घात का बहुपद है, तो मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर ही आपका आंसर हो जाएगा। बड़े आगे, ऐसा सवाल रेलवे में एसएससी में बहुत बार पूछा है, खूब लंबा चौड़ा लिख दिया और बोल रहा है बताओ कितने घात का बहुपद है ये, तो बस देख लेना है, आप इजीली कर सकते हैं, नोट करिए जल्दी से। बड़े आगे चलिए, क्या बोले फिर से? एक पद में थोड़ी ना है, कहां एट हो गया? एक्स पर मैक्सिमम पावर फोर है और वाई पर मैक्सिमम पावर,
अलग अलग पद है ना, वो अलग पद है, अलग पद है। किसी टर्म का, किसी विशेष टर्म का अलग अलग, उसका इसका नहीं लेना है। देखिए यहां पर हम इसका लिए, यहां पर ये चार है, एक ही टर्म का लेना है। आप एक्स इसका ले रहे हैं, वाई उसका ले रहे हैं, नहीं, एक ही टर्म का लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर कुछ बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, उसको मैं जल्दी से लिख रहा हूं, आप भी पीछे पीछे लिखते चलेंगे। सम अलजेब्रिक, सम अलजेब्रिक फॉर्मूला, सम अलजेब्रिक फॉर्मूला, कुछ बीजगणितीय सूत्र है, इसको आप हमारे साथ छापते जाइएगा, अलग से समय नहीं मिलेगा। लिखते जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर होगा, इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ देंगे तो बराबर होगा 2 into a square plus b square। अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या होगा, यहां पर 4ab हो जाएगा। हाँ, इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इतना बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या यहां पर एक और हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab होगा आपका, है ना। फिर इसके बाद a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है जी, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस में 3ab², है ना। यहां पर एक और हो जाएगा, और में या भी लिख सकते हैं, या आप बताइए, यहां पर हो जाएगा एक क्यू प्लस बी क्यू और इसमें कॉमन हो जाएगा 3ab, तो बच जाएगा यहां पर a और 3ab कॉमन करेंगे, यहां बच जाएगा b बच जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर देख लो a माइनस बी का होल क्यू तो बराबर हो जाएगा एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² होगा आपका, या एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab हम कॉमन करेंगे तो यहां a बच जाएगा और प्लस में माइनस को कॉमन किया 3ab तो माइनस में b बच जाएगा आपका। फिर इसके बाद यहां पे होगा एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या एक और फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b². यहां पर फिर इसके बाद एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यू प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी, या एक और फॉर्मूला होगा a माइनस बी इंटू में a² प्लस का ab प्लस का b². इतना नोट करिए जल्दी से पहले, ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो सिर्फ अलजेब्रा में नहीं बाकी के चैप्टर में भी यूज होता है आपका, कहीं भी आ जाएगा ये चीजें।
आगे बढ़े। देखिए ये मेरा पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होगा, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका होगा। ठीक है, फिर देख लो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, फोर ए बी आपका होगा, है ना। यहां पर क्या किया गया, पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा मैं जानते हैं इन दोनों को जोड़ा गया है, देख लीजिए जोड़ा गया है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कट जाएगा। अब जोड़िए ए स्क्वायर दो बार जुटेगा, बी स्क्वायर दो बार जुटेगा, दो को कॉमन कर लिया तो टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर ये फॉर्मूला में क्या किया गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी के होल स्क्वायर घटाया गया, इसमें से इसको घटाया गया, तो घटाएं तो ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, टू ए बी और माइनस माइनस प्लस टू ए बी फोर ए बी हो गया आपका। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ के ए प्लस बी, एक बार घटा के ए माइनस बी। फिर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दो फॉर्मूला, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर उधर माइनस टू ए बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर उधर प्लस टू ए बी, है ना। फिर यहां पर a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, है ना। इसी में थ्री ए बी को कॉमन कर लीजिए तो नया एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो एक क्यू प्लस बी क्यू, इन दोनों में थ्री ए बी को हम बाहर करेंगे तो ए गो ए यहां बच जाएगा, ए गो बी यहां बच जाएगा, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ए माइनस बी का होल क्यू होता है एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब बताइए इसमें एक क्यू लिखा, बी क्यू लिखा, और इसमें माइनस थ्री ए बी को हमने कॉमन किया, तो माइनस माइनस थ्री ए बी बाहर निकाले तो ए को ए रह गया, थ्री ए बी बाहर निकाले ए को बी रह गया, यहां पर तो हो गया एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी टू ए माइनस बी हो गया। अब देखो यहां पर एक क्यू प्लस बी क्यू लिखना है, तो एक क्यू प्लस बी क्यू का भी दो फॉर्मूला देखिए, ई वाला एक क्यू प्लस बी क्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू, और ये जो प्लस में इतना है ना थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी उधर किसमें चल जाएगा, एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखना है तो ए प्लस बी का होल क्यू, और ये जो प्लस में इधर माइनस में चल जाएगा, तो हो गया ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। या एक क्यू प्लस बी क्यू का एक ये भी फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग गुणनखंड सूत्र कहते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला आपका, गुणनखंड सूत्र कहते हैं। क्या होता है एक क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी और इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, गुणनखंड सूत्र है। ठीक इसी प्रकार जो है एक क्यू माइनस बी क्यू का यहां पर होता है, यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्यू माइनस बी क्यू का यह गुणनखंड सूत्र है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये सब प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, है ना, प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, आप इस चीज को ये सब याद रखिएगा, ये सब आप लगभग छठी सातवीं सातवीं आठवीं क्लास से ही आप करते आ रहे हैं चीज को, है ना, बचपन से एक तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सब चीज को याद रखना है, प्रूफ पॉसिबल नहीं है, प्रूफ करेंगे तो एक एक फॉर्मूले को प्रूफ करने में आपका बहुत टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है उसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद फिर नोट करेंगे यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस में आपका हो जाएगा टू ए बी प्लस में टू बी सी और प्लस में टू सी ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो कोई आपसे ये पूछ देगा कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, अगर इतना कोई पूछे इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, तो बड़ा सिंपल बात है, आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है तो इसमें बताइए दो को कॉमन कर सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस, तो ये जो प्लस में इधर ही जो है पूरा वो उधर किस में चल जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा माइनस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीजें हो जाएगा। फिर इसके बाद सभी लोग देखिएगा यहां पर एक क्यू प्लस
बीक्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर, पता है क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए आपका होगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। फिर आगे अगला आपको याद रखना है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो देन पहला नंबर आपका होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर जीरो। दूसरा नंबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC, नोट करिएगा इसको। अभी देखिए थोड़ा रटने वाली बातें हो रहा है, कंसेप्चुअल बातें अभी नहीं, कंसेप्चुअल बातें कल से होगा, है ना, चीजें होता कैसे है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप सभी को याद जरूर रखना है, लिख लिए यहां तक। तो देखिए ऐसा नहीं कि फॉर्मूला अलजेब्रा में इतना ही होता है, एडवांस में तो पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज याद करने के लिए, इसमें बहुत सारी चीजें आपका है, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूला है वो इतना आपका है और ढेर सारा फॉर्मूला इस तरह का बनेगा, है ना, तो वहां पे उस पर हम चीज को कराएंगे भी और उस पर सवाल भी कराएंगे, है ना। फिलहाल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये हो गया। देखो इसका मान हमसे पूछता है तो सिंपल बात है, ये वाले जो है ना प्लस का 2 into AB प्लस बी सी प्लस सी इस तरह माइनस मिला दिया। यहां पर आप देख लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर एक फॉर्मूला है बड़ा वाला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब देखिए यहां पर अगला फॉर्मूला यह है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो, सोचो जरा अगर ये जीरो हो जाए इसी फॉर्मूला में, अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर पूरा जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला नहीं बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर जीरो, इतना बराबर जीरो ही कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होगा, और यही जो माइनस में 3ABC है उसको भेज दिया उधर किसमें, प्लस में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा 3ABC। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो तो दो फॉर्मूला यहां पर आपका, ठीक है। तो फिलहाल जितनी चीजें मैंने आज के क्लास में बताया है इतनी सारी चीज को आप याद करके कल आना है, ठीक है।